ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पैत्रुस ने ईसा से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से यह कहता हूं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे।